Assalamualaikum and welcome to the breakfast show या फिर मैं कहूँ Nabila changes the breakfast show. आप मंडे से देख रहे हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं Nabila के साथ. ट्रांसफॉर्मेशन वो आपको करके दिखा रही हैं, चाहे ऑफिस गोइंग या कोई यू नो वर्क रिलेटेड जो है वो कोई लड़की हो लड़का हो, वो हमने मंडे को किया. उसके बाद जो है वो हमने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया और आज का शो आप सबका बहुत ज्यादा पसंदीदा होने वाला है. क्यों भला? वेल जनाब, शादियों की जब बात होती है तो आई थिंक शादी इज दिस वन थिंग जिसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सालों से वेट कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं. लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दो किस्म के लोग होते हैं. तो वो जो कि भाई इस चीज के लिए जीते हैं कि शादी होगी एक दिन हमारी और हम जो है ना वो एवरीथिंग दैट वी ओन हम सब पहन लेंगे. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं जी, लेस इज मोर. अभी आपने देखा है कि कुछ सालों में ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है सोशल मीडिया के थ्रू कि अब पाकिस्तान में ये ट्रेंड आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक सर्टन लुक होगा शादी पे. आप अपनी उम्र से ब्राइड की अगर मैं बात करूं तो 10-12 साल लाजमी बड़े लगेंगे क्योंकि वो एक ख़ास किस्म के बाल होती हैं, ख़ास किस्म की लटें होती हैं. अब हमने देखा एक रिवाज आया, बाल खुले हुए भी हैं, यू नो नेचुरल ब्रीजी लुक आ रहा है, लेस इज मोर वाला लुक आ रहा है. ब्राइड अपने इवेंट पे ऐसे करके नहीं बैठी हुई है, इंजॉय कर रही है, जैसी वो है वैसी लग रही है, उसकी शक्ल भी वैसी लग रही है. सेम गोज फॉर द ग्रूम एज वेल. सो आज हम आपको चार लुक्स दिखाने वाले हैं, दो ब्राइड्स के और दो ग्रूम्स के. तो दुल्हन का जो हम आपको लुक दिखाने वाले हैं सबकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए कि एक तो वो लुक होगा जो कि आप हमेशा देखना चाहते हैं, जो कि एक जिसको कहना चाहिए कि क्लासिक है, एथनिक है, कल्चरल है, वैसा हम लोग दिखाएंगे. और एक हम थोड़ा जाएंगे मॉडर्न की तरफ. इफ़ यू आर दैट पर्सन जो चेंज चाहता है अपनी शादी पे, इजी ब्रीजी लगना चाहता है, सो उसके लिए एंड सेम गोज फॉर द ग्रूम्स एज वेल. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि Nabila की जब हम बात करते हैं सो ऑफकोर्स एवरीबडी नोज दैट शी इज़ अ हेयर गुरु एंड इस फील्ड में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इतनी ज़्यादा रिसर्च है. तो bride was not one of the things that she used to do amongst many other things. So Nabila ka jo signature bride ka ek concept hai wo kya hai ab Nabila se hi jante hain. Main welcome karna chahungi makeup artist, stylist and hair guru Nabila. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Nabila, aapne jo share kiya hai mujhse signature bride ke bare mein, please uska zara concept hame bataiye. सिग्नेचर ब्राइड जो है बहुत से सैलॉन्स में डिफरेंट चीज़ों को कहा जाता है. हमारी सिग्नेचर ब्राइड वो है जो हम कॉन्सेप्ट ये है कि प्लानिंग में हमें आप इन्वॉल्व करें. प्लानिंग में लिटरली लाइक एन इमेज कंसल्टेंसी ऑफ हाउ यू वांट टू सी योर इवेंट्स. ठीक है, कुछ लोगों का एक इवेंट होता है दूल्हे दुल्हन के साथ मिलकर एक छोटा सा इवेंट होता है, कुछ के 8-10 इवेंट होते हैं जिसमें गाना है, कव्वाली है, मेहंदी है, उपटन है, निकाह है, यू नो. सो डिपेंडिंग ऑन योर विजन एंड डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट वी जस्ट सजेस्ट के प्लीज़ थिंक अबाउट इट अ लिटिल एंड प्लान इट. ओके, फॉर इंस्टेंस शादी विंटर्स की है, समर की है, डे टाइम की है, इवनिंग की है, आउटडोर है, इंडोर है, स्टेज है कि नहीं है, ड्राइंग रूम सेटिंग में है, लाइटिंग कैसी है, स्टेज लाइट्स हैं कि ड्राइंग रूम की लाइट है. सो बेस्ड ऑन दैट वी हेल्प यू प्लान व्हाट कलर सूट यू, व्हाट डिज़ाइनर यू शुड गो टू और मेक इट योर सेल्फ डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट, व्हाट काइंड ऑफ ज्वेलरी यू शुड बी वेयरिंग, व्हाट काइंड ऑफ हेयर वी शुड डू एंड हाउ शुड वी डू इट फॉर द नेक्स्ट 4 days of your event so that it looks different. तो really it depends. ये बिल्कुल flexible है because आपकी requirement के according we help you design के किस दिन आपकी क्या look हो. And Tabish is heading this project and he's been very very successful because we have a lot of overseas Pakistanis जो winters में आके अक्सर शादियाँ इधर होती हैं उनकी, जब Christmas पे छुट्टी होती है वहाँ, तो उनको आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि उन्हें ये समझ है कि वो प्लानिंग में कि हेयर की एक्सेसरीज क्या होंगी, फ्लावर्स फ्रेश होंगे नहीं होंगे, नेल्स कैसे होंगे, क्या हमें एक्रिलिक नेल्स की ज़रूरत है, लेंसेज, लैश एक्सटेंशंस, लाइक देयर इज सो मेनी थिंग्स टू थिंक अबाउट. एंड वी हेल्प यू प्लान सो दैट यू नो सिर्फ एक शादी का इवेंट ही नहीं है, बिकॉज यूजली उसके फ़ौरन बाद आपकी दावतें हो रही होती हैं, एक हफ्ते तक एटलीस्ट यू नो इवेंट्स और होते हैं, वलीमा वगैरह होता है. तो आप अपनी प्रेपरेशन ऐसे करके रखें कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं हो और आपको सैलों पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजारने की और डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं हो, बिकॉज यू आर वेल प्रिपेयर्ड. That's the whole point. अच्छा ये पॉइंट इतना पता है, ये मैं इससे इतना रेजोनेट कर पा रही हूँ. आई एम श्योर अगर आप ऐसे सोचें
कि जब भी कोई शादी प्लान होती है स्पेशली फॉर द ब्राइड या ब्राइड की पूरी फैमिली, सो वो आप सोचना यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अच्छा ड्रेस ये होगा, फॉर इंस्टेंस कपड़े ये होंगे, फिर ज्वेलरी ये होगी, शूज ये होगी, और वो एक पूरी स्ट्रगल होती है जहाँ पे आप कभी किसी को देखते हैं और आप कहते हैं सारी चीजें अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं मगर ये सारी आपस में नहीं जा रही, राइट? तो मुझे लगता है एस्थेटिक सेंस एक ऐसी चीज है कि जो उसका एक्सपर्ट है ना, अगर आप नेचुरली एक्सेल नहीं करते उसमें तो उससे आप मदद ले लें। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ नबीला कि जब कोई शादी प्लान कर रहा है अभी उसने कोई कपड़े नहीं खरीदे, राइट, उसको कुछ नहीं पता अभी उसने क्या पहनना है, क्या ये चीज बहुत पहले मंथ्स पहले अगर कोई बाहर, जैसे आपने कहा कि आपके बाहर के भी क्लाइंट्स हैं तो उसकी शादी है फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ आना है शादी करने के लिए 6 महीने के बाद, तो क्या वो वहाँ पे जूम कॉल पे कनेक्ट कर सकता है टीम से? एब्सोल्युटली, दैट्स वन गुड थिंग दैट केम आउट ऑफ कोविड, इसके हर एक को पता है कि बस दुनिया में आप कहीं भी हैं आप अपने ड्रॉइंग रूम में बैठ के जूम पे बात कर सकते हैं। तो हम उनके साथ मूड बोर्ड बनाते हैं, उनको गाइड करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं और हेल्प करते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी आपने कहा कि किसी के ऊपर वो कैसे लग रहा है, हम पे कैसे लगेगा, लेट्स से कि कोई बहुत अच्छा डिजाइनर जूता आया है और आपकी फ्रेंड ने पहना था और आप पहन सकती हैं और आप खरीदना चाहती हैं, लेकिन आपकी जो दूल्हे की हाइट है वो आपके बराबर है या इतनी नहीं है तो आप हील्स ना पहने, या अगर आप हील्स में कंफर्टेबल नहीं है, आपको कोई फुट प्रॉब्लम है, देन यू नीड अ स्लाइट ब्लॉक हील ताकि वो दिखाई भी ना दे और आप कंफर्टेबल हो, डिपेंडिंग ऑन इफ यू आर मिंगलिंग, इफ यू आर मीटिंग पीपल। मैंने जो देखा है ना, मतलब अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ वेडिंग्स बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन द ब्राइड एंड ग्रूम सफर। बिल्कुल, रोते रोते आती हैं और रोते रोते जाती हैं और घर वाले इतने बिजी होते हैं कि उनको कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा होता कि जी वो उनको खाना मिला है कि नहीं, वो सोए हैं कि नहीं, उनकी ज्वेलरी आई है कि नहीं, बस इतने हम औरों के पीछे भाग रहे होते हैं लोगों को प्लीज करने के लिए कि हम अपने आप का ध्यान नहीं रखते हैं ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ आर लाइफ। इट इज सो ट्रू, आप इतना ये जो बात कह रही है सब लोग रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा शादी में इट्स अ केओस, या तो ब्राइड्स को एंड मोमेंट तक और शादी के दरमियान भी पेंस लग रही होती हैं, या उसका जो शू होता है वो अनकंफर्टेबल होता है, या उसकी हील टूट जाती है। सो ये वाली सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट कि आप इतने खूबसूरत लग रहे हों, आपको लग रहा है आप अच्छे लग रहे हैं लेकिन आप अपना ही इवेंट इन्जॉय नहीं कर सकते, राइट? अच्छा, आपने कभी बात की थी सिग्नेचर ब्राइड के कॉन्सेप्ट के हवाले से, आपने कहा था कि इवन आईब्रोज, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप कि अगर ग्रूमिंग सही ना हो और आप जितना मर्जी मेकअप कर लें, जो डिजाइनर का ड्रेस पहन लें, कुछ भी पहन लें, सो वो लुक नहीं आता, राइट? सो इसका मतलब ये है कि जो आप इमेज बिल्डिंग की बात कर रही थी कि इमेज बिल्डिंग पे फ्रॉम स्क्रैच काम होगा, वैसे भी होना चाहिए शादी ना भी हो रही हो तो बिल्कुल होना चाहिए, सिर्फ शादी के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन आईब्रोज आपके जो सूट करते हो, लैशेस चाहे आप फॉल्स लगाती हैं या परमानेंट लगाती हैं, आप मस्कारा से करती हैं, आपको आना चाहिए। जीरो मेकअप जो है हमारा इस टाइम पे बहुत वो होता है कि अपना खुद मेकअप कर सकती हैं, यू नो, सो मतलब अपनी ग्रूमिंग का तो आप ख्याल रखें, शादी के दिन उसको हम एनहांस करें तो वो उसमें टाइम भी कम लगता है और वो फेक भी कम लगता है बिकॉज नेचुरली यू आर ऑलवेज ग्रूम्ड। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हम आपको दो लुक दिखाएंगे, एक तो वही जो हमारी होती है जिस तरह की क्लासिक ब्राइड होती है, नो ऑफ कोर्स वी विल गो फॉर प्रॉब्ली रेड, बट दूसरा हम आपको एक मॉडर्न लुक करके दिखाएंगे, बिकॉज अब ज्यादा अवेयरनेस हो रही है इस बात की कि हम ब्राइड लगना चाहते हैं लेकिन हम उतने ही यू नो यंग लगना चाहते हैं, उसी एज के लगना चाहते हैं जो हम हैं, जितने वाइब्रेंट हम एक्चुअल लगते हैं उतने ही लगे, ना कि हमें जो है वो एक जूड़े की मदद से आप हमें ऐसे बांध दिया जाए, राइट? बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बेस, थैंक गॉड हम उस लेवल तक तो आ गए हैं जिसमें स्किन भी थोड़ी बहुत दिख रही होती है, डे वेडिंग में क्या बेस एंड मेकअप एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट इन अ वे कि शेड्स डिफरेंट हैं, बेस डिफरेंट है? मेकअप के हवाले से अगर हम बात करें और बेस के हवाले से, तो हमने फर्स्ट दिन ये कवर किया था कि ड्यूई ब्यूटीफुल नेचुरल लुकिंग स्किन, वेदर इट्स कवर्ड और नॉट कवर्ड, इज नेवर गोइंग टू गो आउट ऑफ फैशन, यू नो, अ फेक पेस्टी लुक विल नेवर बी इन, नेवर हैज अनलेस यू आर इन थिएटर, यू नो। सो मैं कहती हूँ कि जब आंख आपके मेकअप पे पड़ी और हमने कहा आपकी फाउंडेशन कितनी अच्छी लग रही है, यू लॉस्ट द प्लॉट। आइडिया इसके फाउंडेशन दिखे ही नहीं, आपको लगे कि जी आपकी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, आप कितनी अच्छी लग रही हैं, बहुत स्टाइलिश लग रही हैं, लेकिन फोकस आपके मेकअप पे जब हुआ तो यू लॉस्ट द प्लॉट, बिकॉज मेकअप तो दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसे अप्लाई होना चाहिए वो लगे पार्ट ऑफ योर फेस एंड नेचुरल। सो
डे लाइट इज़ वेरी अनफॉरगिविंग. हम जब अपने R&D कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स की, तो मैं इतना बड़ा मैग्नीफाइड ग्लास लेके धूप में देखती हूँ कि हाउ इज इट लुकिंग, एंड उधर जब मैं पास होती हूँ देन आई से इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट. और उधर पास होना फायदे में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. हम ब्रेक पे जा रहे हैं, बिकॉज अगर आप वैसे ही आपने मेकअप ना भी किया ना और आप डे लाइट पे चले जाए और आप एक मिरर ले, आप कहते ये मेरा फेस है, ये मेरी स्किन है, इतने पोर्स कहाँ से आ गए. सो ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो हम सिग्नेचर लुक की, सिग्नेचर ब्राइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी मॉडल्स भी जो हैं वो तैयार हो रही हैं. हम आपको एक मॉडर्न लुक दिखाएंगे, हम आपको एक बिल्कुल क्लासिक एथनिक लुक दिखाएंगे ब्राइड का, मेकअप की तरफ जाएंगे, बालों की तरफ जाएंगे. जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाएंगे. आप देख रहे हैं नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो. और मॉडर्न ब्राइड एक तो होती है क्लासिक, जो कि हमें पता है, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, घर में मौजूद जितने सेट्स होते हैं ना वो सारी ब्राइड पहन लेती थी. और हम पुरानी वीडियोस देख रहे होते हैं तो वी आर लाइक अच्छा एक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है. बट मॉडर्न ब्राइड का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी क्या जरूरत है, मैं नबीला से जानना चाहूंगी. सो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे आर डिसलाइक्स ऑफ द ट्रेडिशनल, जो सारा हम देखते हैं शादियों में जो होता है. लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई फील के मॉडर्न ब्राइड का जो कॉन्सेप्ट जिसकी हमें ज़रूरत पड़ी थी इज़ फॉर द नेक्स्ट जेनरेशन. जब हमने काम शुरू किया था उस ज़माने में हमें तस्वीरें मिलती थी कि जी ऐसे लगना है, तो यानी कि आप मक्खी पे मक्खी उनको वो चीज़ बना दें, चाहे उनका रंग ना मैच करे, जिस्म ना मैच करे, फीचर ना मैच करें. दुपट्टे जो थे वो इतने भारी भारी, उसके अंदर पैडिंग लगाई हुई है, वो जब खोलने का टाइम आए तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं, वो स्प्रे इतना लगा हुआ है कि अटे हुए हैं, लैशेज ऐसी लगी हुई हैं कैटरपिलर्स की तरह, यू नो. सो इट वॉज अ मेस एंड आई नेवर एंडोर्स्ड इट. मैं कोशिश करूँगी कि आज के पैकेज में ना मैं आपको अपना ब्राइडल मेकअप दिखाऊँ जो मैंने किया था इन 82. वो भी मैं आपको अभी ढूंढ के दिखा दूँ. ओके, आई विल शो इट टू यू इन द ब्रेक. सो विच मीन्स के लेस इज मोर हैज़ ऑलवेज बीन माई कॉन्सेप्ट. तो आई डिसअग्रीड विद दैट ब्राइड दैट आई सॉ इन द 90s, यू नो, व्हेन आई वॉज वर्किंग एंड आई गॉट पॉपुलर. तो बहुत ब्राइड्स हम मना करते थे, हमारी कोशिश, मुझे मुसीबत लगती थी कि अगर कोई दुल्हन आ जाए तो. लेकिन हमने जब एन प्रो खोला, विच इज़ व्हेन आई गॉट यू नो सारा, माय डॉटर इन लॉ हु हेड्स द मेकअप डिपार्टमेंट्स, वो उसकी शादी तकरीबन 10 साल पहले हुई, तो उसने कहा कि देयर सो मच मनी इन ब्राइड्स, व्हाई डोंट यू डू ब्राइड्स. आई सेड बिकॉज आई डोंट अग्री विद दीज ब्राइड्स. फॉर मी charging money for something I don't believe in is I will not do this for money, I don't believe in this. So she says ke nahi aap jo hai na mars pe rehti hain, aap earth pe aa jaye. तो देन वी नेगोशिएटेड. आई सेड अच्छा अगर मैं अर्थ पे आऊँगी तो फिर मैं गाड़ी अपनी मेरी होगी, उसमें म्यूजिक ये चल रहा होगा और मैंने पहना ये होगा और मैं मेट्रोपोल के उधर नहीं जाऊँगी, इधर जाऊँगी. सो वी नेगोशिएटेड के अर्थ पे आने का मतलब क्या है. तो उसने कहा कि देखें ब्राइडल का ये लुक होता है, झूमर टीका. अच्छा आई सेड तो फिर बाल किसने का जुड़ा हो. उसने कहा ना करें जुड़ा. तो आई सेड कैन वी हैव ब्लो ड्राइड हेयर. शी सेड यस. सो वी लिटरली, हमारी एक बहस बहुत लंबी चली और हमने एक नेगोशिएट करके एक लुक बनाई कि मैं क्या चीज़ पे अग्री होंगी और क्या चीज़ वो मुझे पुश कर रही है कि चलें ठीक है, नथ भी पहन ले, रेड लिपस्टिक भी हो, ग्लिटर भी लगा ले, मगर झूड़ा नहीं बनेगा. झूड़ा नहीं बनेगा. अगर झूड़ा बना तो फिर बाकी नहीं हो, ताकि बैलेंस एक होना कि कितना आप उसको पुश करेंगे. सो वी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट एंड दैट्स, उसकी बात सुन के मैंने एन प्रो खोला एंड आई सेड ओके इफ एवरीवन इज रेडी फॉर इट, यानी कि शी इज यंग, शी इज द नेक्स्ट जनरेशन, आई सेड इफ यू गाइस आर रेडी फॉर इट आई विल ओपन दिस. एंड देन एन प्रो
There was no looking back because we have an amazing team and we are always like breaking the bar, raising the bar, pushing the limits. You know, हमारी जो finishes होती हैं, products होते हैं, tools होते हैं, techniques होते हैं, training होती है, वो बहुत extensive है. जो makeup is like technology, it changes in a week. बिल्कुल. सारे trends change हो जाते हैं. हमारा काम दो साल पहले था, वो देख के लगता है old fashion, please change. So everything changes. So I think we are on top of the game and thankfully, mashallah se hame sare jo top projects hain, whether it's fashion weeks or award shows internationally, locally, we have like an army of team that's prepared to do that. So uske promote karne se aur social media ki wajah se jo young generation hai, they are ready to accept themselves. उनको ये पेस्ट करके कुछ और चीज़ नहीं बनना. दे वॉन्ट टू लुक लाइक अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ. दे डोंट वॉन्ट टू पेंट देयर फेस गोरा और फिर कान और हाथ पे भी फाउंडेशन लग रही है क्योंकि वो एक कलर अलग पेंट किया है. किसने कहा है? यू नो वी हैव ब्यूटिफुल ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, वी नीड टू एम्ब्रेस इट. बिल्कुल. येस, वी कैन लुक ब्राइटर, वी कैन लुक स्लाइटली चीटिंग करके हम उसको और फेयर भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ना करें कि झूठ लगे. जैसे मैंने कहा, फोकस जो है शुड नॉट गो ऑन मेकअप, इट शुड गो ऑन योर पर्सनैलिटी. सो दैट वॉज द बर्थ ऑफ द मॉडर्न ब्राइड एंड इट्स बीन मोर देन 10 ईयर्स दैट वी हैव बीन रनिंग एंड प्रो वेरी सक्सेसफुली. एंड वी have created a niche for those people who understand this concept ke say when to stop. Knowing when to stop is very important. Jhumar, tika, ye wo, sahara, matha patti, chhota sa muh hai bhai, ladki kidhar hai? So knowing ke ye nahi wo nahi, dadi ko mana kar dein, miyan ko samjha dein, saas ko explain kar dein how to design your look. So that's the birth of the modern bride. And mashallah se our brides, there is no compromise on looking traditional or classic or having that stage presence or looking modern or whatever your concept is. We want to help you achieve that. Lekin wo jo ek purana पत्थर के सनम वाली जो लुक है ना, वो नहीं है और हम वो नहीं करते. बिल्कुल. अच्छा, ये आपने जैसे आपने कहा ना कि भाई मार्स से अर्थ तक आने का जो सफर है, आपसे बहुत सारे लोगों को वैलिडेशन मिली है. स्पेशली जितनी हमारी जितने सारे यंग हमारे लोग हैं, दे डोंट वांट कि वो इस तरह की ब्राइड बन जाएं जो कि बिल्कुल ब्राइड कम क्राउन ज्यादा लग रही हूँ. सो अच्छा, ये भी होता है कि जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, सो ऑफकोर्स दादी का कोई हार है या किसी की भी कोई भी ज्वेलरी है, सो एक इवेंट पे वो सारा पहन लेने की बजाय अगर हम उसको ऐसे प्लान करें कि भाई इस इवेंट पे मैं ये कर लूँगी, लाइक यू सेड कि यू नो ओवर नहीं करना कौन सी चीज़ किसके साथ जा रही है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो एक प्रोसेस है, जब कंसल्टेशन काइंड ऑफ होती है, अब वो चाहे खोजी से है, आपकी टीम से है, सो वो क्या एक ऐसा पॉइंट आता है कि ब्राइड कहती है कि नहीं, आई नो इट लुक्स हिडियस, बहुत बुरा लग रहा है देखने में, लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ. कन्विंस कर सकती है टीम उनको कि नहीं प्लीज? देखिए, जब तक वो हमारे पास आ रहे होते हैं, वो आई थिंक इतना तो समझ के आते हैं कि दीज आर प्रोफेशनल्स और ये जो बताएंगे हमारे फायदे के लिए बताएंगे. तो वेदर यू आर टेकिंग द सिग्नेचर ब्राइड पैकेज और जस्ट गोइंग विद वन ऑफ आर मेकअप आर्टिस्ट विदाउट द गाइडेंस, वी ट्राई टू केटर टू वॉट यू आर थिंकिंग, जो आपके अरमान हैं. जैसे आपने कहा, अगर कोई एयरलूम पीस है, आपके दादी का सतलड़ा हार है, तो हम आपको कहेंगे कि एटलीस्ट कमीज तो प्लेन हो ताकि वो हार दिखे. बिल्कुल. और अगर हार इतना ज़्यादा है तो फिर उसको स्पेस करके फिर चोकर ना पहने, आप झूमर टीका पहने ताकि ज्वेलरी में भी तो स्पेस दें, ताकि दोनों क्लैश ना करें एक दूसरे से. बिल्कुल. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नो स्टाइलिस्ट इज ऑन बोर्ड टू एक्सप्लेन दैट, और यू नो आर मेकअप आर्टिस्ट आर ट्रेन टू इंश्योर कि हम ऐसे बुबूज ना करें. लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत फोर्स करता है तो वी ट्राई एंड इन्फ्लुएंस देम. देर इज नॉट मच वी कैन डू. मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ. अभी रिसेंटली, बिकॉज आई एम वेर एवर आई एम इन द वर्ल्ड, वी आर ऑलवेज शेयरिंग एवरी मेकअप एंड आई एम पॉइंटिंग आउट कि ये सही है, ये गलत है, इसने ग्लूज क्यों नहीं सही लगाया, इसने लाइनर क्यों नहीं सही लगाया, बिकॉज आई एम सच अ कंट्रोल फ्रीक. आई नीड टू सी कि हम गलती करें उसके प्रोडक्ट्स या जो भी चेंज करने की जरूरत. एक तस्वीर आई, यू 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 क्लाउन का मुंह, क्लाउन का मुंह, और मैं तो देख के ये यूं जो था क्या, लिपस्टिक का लिप की लाइन ऐसे थी. मैंने कहा ये किसने किया, इसको तो फौरन निकालो. यू नो आई वाज नॉट, आई वाज इन यूरोप. पता चला वो क्लाइंट ने खुद ड्रॉ किया.
मैं सर पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा आपने उसको इजाजत कैसे दी कि वो फिर खुद ही बाल काट लें, फिर वो अभी क्यों आ रही है हमारे पास। उसने खुद ने ड्रॉ किया और वो क्लाउन का मुंह, और हमने उसको रोका नहीं। तो यू नो दीज आर द एवरीडे चैलेंजेस कि व्हाट आई वुड हैव डन एंड आई ट्रेन माय टीम कि आप उनको जरूर पूछें कि भाई वो क्या चीज एक्सरसाइज, लेकिन एज अ स्पेशलिस्ट यू नीड टू ब्लेंड दैट इन। और वो जो चोंचे उन्होंने बनाई थी वो मैकडोनल्ड वाला एम पूरा, तो उसको थोड़ा सा हम राउंड करते हैं, हम कहते हैं हम आपको ये एग्जैजरेट कर रहे हैं, या हम लिप कलर न्यूट कर देते हैं ताकि वो इतना प्रॉपर वो दिखता ना गलती। सो इस तरह की जो गलतियां हैं हम क्लाइंट से सुनना चाहेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, लेकिन वी डेफिनेटली नीड टू हैव आर ओन फ्लेवर एंड आर स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, योर विजन आर एग्जीक्यूशन। एब्सोल्युटली। अच्छा इसमें मैं बताऊं कि जब आप ट्रस्ट रखते हैं ना उन लोगों पे जिनको आप ऑफ कोर्स उनकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज की वजह से अवेल कर रहे हैं। मैं एक शो के लिए तैयार हुई थी एंड मिडिल पार्टिंग वाज समथिंग कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी उसमें, एंड मैंने आपकी टीम मेंबर को बताया कि नहीं नहीं मिडिल पार्टिंग नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, एंड ही मेड श्योर कि मिडिल पार्टिंग ही हो, और उन्होंने कहा नहीं सूट करेगा, उन्होंने कहा नहीं करेगा, उन्होंने नहीं करेगा, एंड व्हेन इट हैपेंड आई वाज लाइक ओह दिस इज द स्लीक लुक आई सी इन ऑल दोस पिक्चर्स, एंड इट एक्चुअली यू नो वाज लुकिंग रियली गुड। सो थोड़ा सा जब आप किसी से सर्विस लेते हैं तो एक आपको जरा एक भरोसा भी रखना होता है उस पर कि ही इज एन एक्सपर्ट और शी इज एन एक्सपर्ट फॉर अ रीजन। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो शाजिया है? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाजिया हमारे साथ है? बिल्कुल, आवाज बहुत स्लो आ रही है, लेकिन मुझे आपकी आवाज सही आ रही है। आप क्या कहना चाह रही है? माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त शो हो रहा है, मैं भी देख रही हूँ, इतना जबरदस्त नबीला आई हुई है, आप दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, हमारी मॉर्निंग को इतना अच्छा बना रही है और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं नबीला से जरूर ये कहूंगी कि यू आर द आइकन ऑफ पाकिस्तान, यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान, जो आपने फैशन इंडस्ट्री में जितना आपने किया है, रियली आई रियली अप्रिशिएट यू, हैट्स ऑफ टू यू। जिस तरह से आपने नो मेकअप पर स्पेशली जो ट्रेंड लेकर आई है ना वो बहुत अच्छा, जो इतना हैवी मेकअप लोग करते थे गर्ल्स और जो बाकी जो भी शादी में हम करते थे वो आपने चेंज किया, क्योंकि गोज टू यू। मैं आपको हमेशा से एडमायर करती हूँ, आपको फॉलो करती हूँ। मैं आपसे सिर्फ दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, और एक तो आपने जो आज चेंज करा है ना कि सिग्नेचर जो ब्राइड का, रेनी में देखना चाहूंगी, लोगों को भी सीखने को मिलेगा कि वो एक सिग्नेचर ब्राइड कैसी होती है। हमारे रेन में तो ना कि एक हैवी पार्टी मेकअप वो ब्राइड मेकअप होता है और बहुत हैवी जुड़ा, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ये कॉन्सेप्ट लेके आए। एक दो मेरे सवाल है, एक नबीला से ये कि आप भी बताइएगा कि एक अच्छी स्किन रखने के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरा बालों को हेल्दी रखने के लिए, तीसरा ये कि नबीला को इतनी अच्छी स्किन कैसे है वो जरूर बताएं। एंड नबीला आई रियली लव यू, कीप रॉकिंग नबीला, थैंक यू। थैंक यू। कैसे आप अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं एंड देन बाल प्लीज? ओके सो देखें, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं है कि आप शादी के दिन आपने कुछ किया और अच्छे लगे, लाइक वी हैव बीन टॉकिंग, कि ये एक रेजीम आपका एक फॉलो करना चाहिए, यू नो स्लीप वेल, ईट वेल, ड्रिंक प्लेंटी, और उसके अलावा आपका जो CMT जो क्लेंजर मॉइस्चराइज़र टोनर का एक रेजीम होना चाहिए, जो आप रात को मेकअप के साथ ना सोएं, सुबह उठ के आपका एक मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, धूप में जा रही हैं या नहीं भी जा रही हैं, डे लाइट में आप काम करती हैं तो आपका एक SPF प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो ये तो आप कर सकती हैं। अब इसके अलावा मैं कहती हूँ जीरो मेकअप लगाएं, जो कि मैं लगाती हूँ तो हर गुनाह छुप जाता है। हाँ बिल्कुल, वो एक ऐसी चीज़ है ना कि वो आपने अपनी पैलेट में रखी हुई और जहाँ ज़रूरत है फ़ौरन आप लगा सकते हैं, ये नहीं है कि आप पूरी एक बहुत बड़ी मेकअप किट लेके जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सा अब हम जिस जाने बढ़ेंगे हम आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पे मेकअप, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे यहाँ पे जो क्लासिक ब्राइड है, मॉडर्न ब्राइड है, उनका मेकअप में एक्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस है आपको बताएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। जल्दी से वापस आ जाइए, आप देख रहे हैं नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो। वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस हम, आप देख रहे हैं नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो। यहाँ पे ब्राइड्स दो तैयार हो रही हैं, क्लासिक एंड मॉडर्न। नबीला अब मैं चाहूंगी कि आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मॉडल्स के मैं नाम बता देती हूँ, कैरन पिंटो हैं एंड अबीरा हैं हमारे साथ जी। सो कैरन पिंटो, ब्यूटिफुल स्किन, ब्यूटिफुल फीचर्स, हर स्किन कलर इज आई थिंक लिटिल बिट लाइक माइन और मे बी अ शेड डार्कर। इनको हम ले जा रहे हैं क्लासिक लुक के तरफ, विच मीन्स यूजुअली गोल्ड एंड रेड के कलर्स होते हैं ब्राइड्स के, एंड दे लव इट, इट्स वेरी ट्रेडिशनल।
एंड वी आर गोइंग टू यूज अ ब्राइट रेड लिपस्टिक, बट बिकॉज द लिपस्टिक इज ब्राइट वी आर नॉट डूइंग टू मच आई मेकअप, वी आर कीपिंग दैट न्यूट्रल. हैविंग सेड दैट, हमने इनकी लैशेज लगाई है, हम आईज एनहांस करेंगे. आपने लेंसेज पहने में? अच्छा, ब्यूटिफुल ब्राउन कलर, नेचुरल एंड का. सो वी आर गोइंग टू डू द लाइनर, लैशेज, गोल्ड, न्यूड्स ऑन द आईज, ताकि आईज लिप्स के साथ बैलेंस हों मगर क्लैश ना करें. देन द लिप्स का जो रेड लिप्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, बिकॉज इट हैज़ टू बी द परफेक्ट रेड टेक्सचर, कलर, कॉन्टूर्ड, आउटलाइन, शेप, बड़ा साइंस होती है इसकी. सो वी विल डू द रेड लुक्स, रेड लिप्स, एंड दैट्स वाई, क्योंकि रेड लिप्स अगर हैं तो झूमर, टीका और वो सब क्लासिक लुक के लिए हम इनक्रेज करेंगे. And that's why the hair is simple. Okay. It's Tabish's vision, so he will explain it later when he comes. लेकिन बाल पुल बैक्ड हैं, हम फ्रेश फ्लावर्स, गजरा, टीका, whatever like traditional things, but gold कपड़े हैं with a touch of green and maroon, and the lips are therefore going to be red, and I think it'll be a nice look. Okay. मुझे ये देखना है, ये red lipstick वाला part से देखना है. वाकई जो है ना, ये एक इतना tricky part होता है red lipstick को सही से लगाना. अच्छा, caller हमारे साथ हैं, फिर हम अमीरा की जाने भी बढ़ेंगे. Hello, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम आयशा, मैं माहम बात कर रही हूँ लाहौर से. कैसी हैं माहम, और क्या पूछना चाहेंगी नबीला से? जी, मैं उनसे पूछना चाहूँगी, लाइक व्हेनेवर वी गो टू सैलून, तो वो बहुत हमें हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं फॉर मेकअप अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल. तो जब हम मेकअप करवाने जाते हैं, दे डोंट शो अस प्रोडक्ट, वो हमें प्रोडक्ट नहीं दिखाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है? उनको ये लगता है कि ये ठीक है, ठीक है ऐसा करना, ये थोड़ा गलत भी हो जाएगा आपके क्लाइंट के साथ. वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का यूज हो रहा है नबीला, ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अच्छा, अब ये आप किस सैलून की बात कर रही हैं? शी स्टिल ऑन द लाइन, ये हमारे सैलून की बात नहीं, कर रही हैं? नहीं, ये तो जनरली कह रही हैं कि जब आप एक खास अमाउंट पे करती हैं, तो ऑफ कोर्स एटलीस्ट वो ब्रांड्स, उस क्वालिटी के ब्रांड्स जो इंसान अपने ऊपर यूज करता है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो होंगे, लेकिन वो जो ब्रांड्स रखे होते हैं ना, वो उनका कोई नाम मतलब पता नहीं होता कि ये अच्छे वाले हैं या नहीं. सो हाउ डू यू इंश्योर? तो आई वुड से कि जो आप जिस जगह जा रही हैं, थोड़ा सा आप रिसर्च करके जाएं, ताकि आपको पता हो कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और वो क्या यूज कर रहे हैं. ठीक है. और हमारा जो, मैं अपनी बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं किसी और सैलून गई नहीं हूँ. मैंने अपना ही सर्वेंट रूम में से शुरू किया, उसी को बड़ा कर लिया. मैं किसी और सैलून गई नहीं हूँ चेक करने के बाहर क्या होता है, और अक्सर बाहर वही होता है, एटलीस्ट एस्पिरेशनली जो हम कर रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है. बट हमारा जो केमिकल का एरिया, अगर आप देखेंगी, आप आती होंगी तो बिल्कुल किचन के तरह खुला है. हमारा ओपन किचन है, जिसने जो मर्जी आके चेक करना है कि क्या मिलाया था, ब्लीच था, कौन से क्वालिटी का था, कौन सी ट्यूब थी, कैसे थी, क्या मिलाया, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू टू कम एंड सी. सो वी आर नॉट मिक्सिंग इन द किचन के कोई हम यू नो खाने का वो क्या कहते हैं, बर्तन धोने का ब्लीच बना के ले आए, ऐसी कोई बात नहीं है. हर चीज़ आप खोल के चेक करें, ज़रूर चेक करें, आपका राइट है पूछना. बिल्कुल. हम अपनी अगर आप बात करें, फॉर इंस्टेंस अगर मैं इनकी ये किट दिखाऊं, ठीक है, मेरे लिए दिस किट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्रिस्टियन डियोर की ब्रांडिंग. व्हाई? बिकॉज आई हैव चोजन द कलर. मैंने क्रिस्टियन डियोर खोली, मैंने टक करके तोड़ा और मैंने इसमें डाल दिया कि मुझे जब रेड चाहिए तो ये चाहिए. ठीक है. सो मेरे लिए, आप चेक करना चाहें तो हम आपको वो डकने दिखा देंगे कि इसमें से तोड़े थे, लेकिन आई डोंट केयर फॉर द ब्रांड्स बिकॉज आई फील वी आर द ब्रांड. एंड अभी अगर मैं आपको अपना नया रोल बताऊं, जो कि बहुत जल्दी सामने आएगा, इट्स नॉट हेयर एंड मेकअप, इट्स द ब्रेन्स बिहाइंड द प्रोडक्ट्स. माय नेक्स्ट यू नो डेडिकेशन टू द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, वर्किंग लाइफ, इज इन द लैब, मेकिंग एंड गिविंग देम व्हाट इज नीडेड. अभी हम बल्कि हम का ही जो ब्राइडल कुट्योर वीक हम कर रहे थे लाहौर में, और मैं सुल्तानापा के साथ बैठी हुई, उन्होंने कहा तुम पीछे जाके चेक करो देर क्यों हो रही है. सो आई वेंट देयर, ताबिश ने कहा कोई अच्छी पिंक लिपस्टिक नहीं है. मैंने ऐसे रखा, उठाया डब्बा और मैंने बनाने शुरू कर दी पिंक लिपस्टिक. और तैयार हुई भी रेड कार्पेट करके, पिंक लिपस्टिक बना रही हूँ. और वो महरीन सईद ने आके मुझे हक किया और कहती है आपने बना ली लिपस्टिक, और वाकई में लिपस्टिक बहुत अच्छी बनी है, और इन्होंने कहा हम पिंक लिपस्टिक वो लगाना चाह रहे हैं. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट आई हैव जस्ट डिस्कवर्ड द पार्ट ऑफ माई ब्रेन विच नोज हाउ टू मिक्स कलर्स एंड टेक्सचर्स एंड सोल्यूशंस एंड यू नो फॉर आर स्किन टोन, फॉर आर हेयर केयर. क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस है, लाइक आई वॉज टेलिंग यू, आई वॉन्ट टू नाउ बॉटल दैट एक्सपीरियंस, एंड आई डोंट केयर फॉर ब्रांड्स.
वी हैव एवरीथिंग इन दिस, चाहे वो मेरा हो, चाहे क्रिस्टियन डियोर का हो, चाहे बॉबी ब्राउन हो, मैक हो, वो सब नेक्स्ट टू ईच अदर है. एंड आई एम श्योर जब आपकी इतनी इस पे रिसर्च है, R&D है, सो आप जब मिक्स भी कर रही होती होंगी या लगा रही होती होंगी तो क्वालिटी पता चल जाती होगी रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड, राइट? एब्सोल्युटली. सो नाउ आई डोंट इवन नीड टू सी द ब्रांड. एंड देयर आर सम चीप सुपरमार्केट ब्रांड्स लाइक देयर इज किको एंड मेबेलिन, एंड दीज आर वेरी चीप एंड अफोर्डेबल एंड दे आर प्रीटी गुड. सो यू नो अभी दुनिया में बेंचमार्क बेहतर हो गया है प्रोडक्ट्स का. सो आई वुड से एज अ क्लाइंट इट्स कम्प्लीटली योर राइट टू गो एंड आस्क देम टू शो योर प्रोडक्ट्स. बिल्कुल. एंड देन कुछ आप ब्रांड नेम पे भी ट्रस्ट कर लें. बिल्कुल बिल्कुल. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वंडरफुल आंसर. अच्छा अब हम अबीरा की जानिब भी बढ़ेंगे और यहाँ पे जो मॉडर्न ब्राइड तैयार हो रही है, आई सी सम फंक हैपनिंग आईज पे, सो अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें. Okay, so if you can see her hair also, because just the makeup is not enough. You have to see the whole picture. Bilkul. Her clothes are, when you reveal it, you know, the jo green, halka sa mint green, unke eyes mein aa raha hai, us color ke unke clothes hain. Jewelry bhi usi ko reflect karegi. Aur with her, we could go heavier on the eyes and do dramatic smoky green eyes. Lekin, because the eyes are so heavy and the hair is long, we are going to keep the lips very nude. Okay. So, you know, it's all about balancing. Bilkul. So, that's what we're doing with her. We have, I think she came in for her lash extensions. Her eyebrows are nice and bushy. You know, she's got those model-like features because she's tall and she can carry it. So, we are doing the completely... अक्सर ये लुक जो है वो वलीमे पे लोग बहुत खुश होते हैं विद यू नो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिक लुक. सो आई थॉट दीज आर द टू फेवरेट लुक्स वी विल शो यू. ओह एब्सोल्युटली आप सही कह रही है. वलीमे पे लोग मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें अपने ऊपर लगा कर और पहन कर ना फिर वो मेंशन थक जाता है. फिर कहते हैं वलीमे पे थोड़ा सा लाइट रखेंगे. एंड आई पर्सनली जब भी मैं किसी का लुक देती हूँ वलीमे का बेहतर लग रहा होता है. मुझे एक फनी बात याद आई आपको बताना कि एक बार मीडिया में यूजुअली होता है जब आप कोई शो कर रहे होते हैं तो कुछ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा कर देते हैं. सो मेरी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड अनुषी अशरफ, उन्होंने बताया कि मैं ना स्मोकी या बहुत ज्यादा आईज से तंग आ गई थी कितना ज्यादा होता है. तो वो क्या करती थी, वो जैसे ही मेकअप रूम में आती थी फॉरन अपनी बेस करके रेड लिपस्टिक लगा के बैठ जाती थी कि अब तो आईज कम करनी पड़ेगी मेकअप आर्टिस्ट को. तो वो भी एक टिप एंड ट्रिक होती है कि थोड़ा जरा जरा हल्के हो जाए. अच्छा यहाँ पे अब हम इनका लुक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट फिनिश कर रहे हैं. अच्छा मुझे ये बताइए नबीला के जो बाल हैं ये एक साइड से आएंगे. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि बालों में एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है. सो दिस लुक इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज. इट्स कॉल्ड द रेट्रो वेव्स, जैसे पुराने जमाने में जो होते थे वेव्स उस तरह के. सो आई डोंट नो आपको अभी दिख रहा है कि नहीं, बट एंड में आपको दिखेगा. सो वी आर क्रिएटिंग दीज रेट्रो वेव्स एंड हमने साइड पे इधर से बिल्कुल स्लीक रखा है बिकॉज वी यूज सम एम्बेलिशमेंट ओवर हेयर. एंड यू नो मैंने कुछ और सजेस्ट किया था लेकिन ओवेस फ्रॉम माई टीम सेट के नहीं, इनके फेस पे जो है साइड पार्टिंग अच्छी लगेगी, बैक नहीं अच्छी लगेगी, तो आई विल डू रेट्रो वेव्स. सो यू नो दैट्स हाउ वी डिस्कस एंड आई वॉज लाइक यस ही इज राइट सो लेट्स गो फॉर दैट. सो यू नो दैट्स हाउ वी डिस्कस एंड माशाल्लाह से हर टीम मेंबर को इतना इनपुट भी है और राइट भी है टू चैलेंज मी एंड से नो आई थिंक वी शुड डू दिस एंड वी ऑलवेज डिस्कस इट एंड कम अप टू द बेस्ट सोल्यूशन एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टुडे. He suggested retrowave and I think he's right. Nice, nice. और ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने बताई है, because देखिए art एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें nothing is right or wrong, मगर वो आपकी आँखों को जो appeal करे aesthetics और trial and error से जो निकले वही सही चीज़ है, right? So caller हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं. Hello, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है शादी? बिल्कुल ठीक ठाक. कौन है हमारे साथ और क्या पूछना चाहेंगी नबीला से? जी मेरा नाम है सैयदा महमून अबतुल, मैं विदी जी खान से बात कर रही हूँ. जी जी बोलिए, सवाल कीजिए अपना. जी, क्या सवाल? ये जैसे ना हमारी स्किन नॉर्मल है ना, उसके लिए कुछ सी बेस बता देना. स्किन? अच्छा हाँ जी. हाँ जी, सी बेस बता देना कि आपका शो बहुत अच्छा है. ठीक है, अल्लाह ताला मजीद तरक्की दे आपको, हम इंशाल्लाह की पूरी टीम को. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अच्छा इनके सवाल को मैं थोड़ा सा चाहूंगी इन्हीं के लिए आसान बना दूं कि जब हम बेस का कलर सिलेक्ट करते हैं नबीला, ये टिप्स हम देखते हैं कि रिस्ट पे लगाएं, पाम पे लगाएं, कहाँ लगाएं कि हमें समझ में आए दिस इज द राइट शेड फॉर आवर फेस, कैसे पता चलेगा? ये एक ले मैन सही से देते हैं. बिल्कुल, आप जरा हमें कुछ करके इस तरह दिखा दें कि समझ में आए. आइए प्लीज, अगर हम इसकी बात करें जी, तो बेस कलर चले इन पे दिखाती हूँ मैं ये. ठीक है, बेस्ट है. मैं जीरो मेकअप का अगर आपको जवाब दूं तो हर एक का अलग कलर है. 1 2 3 4 5 6 ठीक है. आई एम अ 3, आई थिंक ही इज ऑल्सो अ 3.
इसमें जो है कंसीलर, फाउंडेशन, ब्लश और लिपस्टिक है. तो फाउंडेशन जो है, लेट्स से कि हमने ये चूज किया और हमने इनके जॉ लाइन पे लगाया और अगर वो नहीं दिख रहा तो वो इनका कलर है. ये इनका कलर है बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लेंड हो गया. सो हाथ की स्किन का कलर अलग होगा. दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट. ठीक है, ठीक है. आपका मेकअप खराब होगा, नहीं तो मैं आपका भी दिखाती कि बिल्कुल दिस थिंग शुड मैच हेयर एंड इनविजिबल, दैट मींस इट्स योर. वैसे आई डोंट माइंड अगर आप मेरा दिखा भी दें, लोग जरा ज्यादा यू नो इंटरेस्ट से भी देखेंगे और मुझे भी एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि मेरा शेड है क्या. ये जो कलर है, ये लगने के बाद भी आप देखें कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा. बिकॉज दिस इज ब्लेंडेबल, ये आपका मेकअप बिल्कुल खराब नहीं करेगा. दिस इज योर कलर. और इस शेड का नाम है, दिस इज क्रेम. This is me, cream. You and him, we are the same color. ठीक है. और गोरा होना अगेन देखें यहाँ पे मकसद नहीं है. अक्सर एक बहुत कॉमन सवाल आता है नबीला, ये सवाल इतना कॉमन है कि हमारी बेस ऑक्सीडाइज हो जाती है या ग्रे हो जाती है. सो वो जो ग्रे होना होता है बेस का, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अच्छा, वी विल कवर ऑल ऑफ दिस इन द बेस. हम लोग कल जो हमारा शो है वो सिर्फ फाउंडेशंस के ऊपर है, लेकिन आई विल आंसर दिस नाउ कि ग्रे आप जब लग रहे हैं जब आपने अपने से कोई बहुत ज्यादा गोरा कलर ले लिया है. तो हम गोरे तो हुए नहीं, ग्रे हो गए, बिकॉज आवर स्किन थ्रोज ब्लू. ओके, अब आपका अगर मैं बताऊं कि हमने अगर नंबर 4 यूज किया है, ठीक है, ये जो है जीरो मेकअप इज फॉरगिविंग, विच मीन्स कि आप इससे थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं. 4 आपका रियल कलर है, आप चीटिंग करके 3 तक जा सकती हैं, पता नहीं चलेगा, और आप चीटिंग करके 5 तक भी जा सकती हैं अगर आपको 10 लुक पसंद है. लेकिन 3, 4, 5 के रेंज में अगर आप रहें तो इट्स ओके. आप कहें मुझे तो गोरा लगना, मैं 1 यूज करूंगी, दैट्स व्हेन यू विल बी ग्रे. बट ऑल्सो द प्रोडक्ट शुड नॉट ऑक्सीडाइज. A good product should never oxidize, so then just go for better products. अच्छा, okay. तो oxidize होने का जो इसका मतलब है कि connection जो है वो quality से होता है. इस पे हम कल detail में और भी ज़्यादा बात करेंगे. कल का जो base पे जो बात करेंगे ना, I'm sure आपके कोई 10,000 questions होंगे जो आप लोग पूछेंगे. अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं red lipstick की तरफ. We really wanna see. नबीला, आपने एक बात कही थी कि एज कॉर्नर्स के बारे में या टॉप के बारे में जब हम लिप्स बना रहे होते हैं कि वो शार्प ना हो और थोड़े से राउंड हो. हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? देखिए, इनहांस करना, आजकल तो खैर वो फिलर्स लगा के वो मच्छी के तरह लिप्स हो जाते हैं, वो विच आई हेट. लेकिन एनहांस हम थोड़ी बहुत चीटिंग से कर सकते हैं, इतना के ओवरड्रॉन ना लगे, बहुत शार्प ना लगे. बेसिकली एक हार्ट टाइप का शेप इधर से होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्टीप उसका एंगल नहीं हो. इट्स जस्ट अबाउट योर एस्थेटिक्स. आई विल बी टचिंग द रेड एंड देन यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग. ठीक है, आप लीजिए मुझे पेंसिल रेड को करके दिखाइएगा. ओके, अब ये रेड लिप्स अभी आप देख लें. एंड अब नबीला का इसमें जो एक सारे टिप्स यहाँ पे देखने वाले हैं, बिकॉज बहुत शौक होता है हमें रेड लिपस्टिक लगाने का, बट द राइट वे टू यूज अ रेड लिपस्टिक इज शोन हियर. मुझे एक्सरे करना, ये आउटलाइन हो रही है. मैं आपको जब तक ये बता दूं कि आप जीरो मेकअप जो रेंज है वो हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर. आपको 20% ऑफ मिलेगा और हमारा जो कोड है जो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, दैट इज 0x मसाला. ये हमारा कोड है 20% ऑफ के लिए. ओके, यहाँ पे अब आउटलाइन हो रही है रेड लिप्स की. हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है. नबीला, आपको ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बताना है या आप इसको कंप्लीट कर देंगे? I can do that. We won't talk about boys later after ठीक the है, break. बिल्कुल. Okay. तो हम ब्रेक पे जा रही हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे मेल मॉडल्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे और उसमें भी हम आपको दिखाएंगे एक क्लासिक लुक और एक मॉडर्न लुक. तो ब्रेक में हमारे साथ जो है वो बंधे रहिएगा और बस जल्दी से हम ब्रेक से वापस आते हैं इन नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो. आप देख रहे हैं नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो और अब यहाँ पर जो हमारी ब्राइड्स हैं उनका मेकअप हो रहा है, रेड लिपस्टिक भी हो रही है. अब मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे इंसान को, जब आप कहते हैं ना कि ये वाले सेलिब्रिटी ने वाओ कितना ग्रूम किया है ओवर टाइम, उसके पीछे ना खास नाम होता है और वो खास नाम है उस स्टाइल डायरेक्टर का जिनका नाम है खोजी, जिनका एक्चुअल नाम है ताबिश खोजा. मैं वेलकम करना चाहूंगी.
आ जाइए। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने बहुत सारे लोगों को ग्रूम किया है और हम चाहते हैं कि अब ये फोकस जो है ना वो हम जैसे लोगों के लिए खवातीन से थोड़ा सा शिफ्ट होकर मर्द हजरात पे भी आ जाए, राइट? जी बिल्कुल। सो आज आप हमें तीन लुक्स दिखाने वाले हैं, बारात के, वलीमे के और मेहंदी के, ग्रूम के, है ना? सो एक आदमी के लिए, एक जिस तरह औरत के लिए ब्राइड बन के बहुत अच्छा दिखना जरूरी है, इसके अलावा एक आदमी के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो वेल ग्रूम्ड हो ऑन हिज वेडिंग डे और इन रेगुलर लाइफ आल्सो। यू नो, हमने रेगुलर लाइफ के पिछले दो शोज किए हैं एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, बट ग्रूम की ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेहंदी का लुक हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं। मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हुसैन राजपूत को, मॉडल है हमारे, आ जाइए मेहंदी के लुक के साथ। एंट्री इन्होंने मारी है, कैसे आप जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे? आई थिंक मेहंदी इज वेरी वेरी, इट्स अ लॉट ऑफ फन। मैं शादियों में जाता हूँ सिर्फ मेहंदी बजाता हूँ क्योंकि इट्स बड़ा मज़ा आता है, डांस होते हैं, फन होता है, कलर होता है, एनर्जी होती है, वाइब होती है, इट्स वेरी डिफरेंट। सो इफ़ यू कैन सी द मेहंदी के जो पैलेट्स होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं। इधर हमने ऑरेंज और ग्रीन शॉल और यू नो इन चीज़ों के साथ इसको लुक क्रिएट किया है। ही इज़ वेरिंग नोमी अंसारी एट द मोमेंट एंड ही इज़ लुकिंग सो गुड। एंड इफ़ यू सी द हेयर, इट्स वेरी वेरी एफर्टलेस, बिकॉज अक्सर मैंने ग्रूम्स को देखा है मेहंदी पे भी ऐसे फुग्गे बना के बैठे होते हैं, वो बाकायदा बैक कॉम करवा के और बिल्कुल पेस्ट्री बन के बैठे होते हैं। आई थिंक वो बहुत आउटडेटेड है वो ट्रेंड। यू नो, टुडेज मॉडर्न मैन इज वेरी 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 नॉनशलांट, वेरी ईजी, वेरी ईजी, वेरी ईजी ऑन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो ऑन अदर्स। यू नो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मेहंदी के दिन को इंजॉय करें और उसको टू द फुलेस्ट जो है वो अपना दिन बनाए, बिकॉज आपका एफर्टलेस दिखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एफर्ट, ये वो वाला एफर्टलेस दिखना है कि एफर्ट हुआ है, एफर्ट हुआ है मगर एफर्टलेस फिर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन वाले दुल्हा को देखिए, आप कह सकते हैं कि जी आप डांस करेंगे, आप इंजॉय करेंगे, अदरवाइज वो जो आपने जैसे कहते हैं वो फुग्गा और वो बाल जो है वो फुल सेट बैक जो जेल बैक हुए हुए होते हैं, आप फिर ग्रूम को कहेंगे नहीं आप बैठ जाए, आपके बाल खराब हो जाएंगे। हाँ, मतलब ग्रूम खुद भी कॉन्शियस हो जाएगा ना कि मैं क्या लोगों से मिलूं, डांस करूं ना करूं, यू नो, फिर कपड़े भी भारी पहने हुए हैं, फिर वो यू नो, सो इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर आल्सो ऑन द ग्रूम, एज देयर इज प्रेशर ऑन द ब्राइड, देयर इज प्रेशर ऑन द ग्रूम टू। और आई थिंक एंजेंस डज अ ग्रेट जॉब विद मेंस हेयर कट्स एंड मेंस बियर्ड्स एंड यू नो, बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल होती हैं जो कि हम आदमी जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, बट वो डिटेल अगर आप ज़रा सा अपने आप को टाइम दें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं, एंजेंस पे जाएं, get yourself groomed. Nice. अच्छा हुसैन, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि आप जो है वो हमें दूसरा वो वलीमे का लुक भी आप दिखाएंगे। बिल्कुल। So, आप वो चेंज करने आप जा सकते हैं। एंड अब जरा हम आते हैं, ये जो हम मेन लुक की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमारा जो ब्राइड्स हैं उनका मेकअप भी हो रहा है, कि खोजिए कितना जरूरी है फॉर मेन फ्रॉम लाइक फ्रॉम स्क्रैच, सर से लेके पांव तक साफ सुथरे, ग्रूमिंग, मैनी पेडी। आप अब देखते हैं कि ट्रेंड चेंज हुआ है। बिल्कुल, ट्रेंड चेंज हुआ है। मैं ये अक्सर आज के दौर में भी बहुत सारे आदमी हाथ और पांव साफ करने से कतराते हैं। बिल्कुल। कि हम कोई, वी आर नॉट लेडीज, कि हम ये क्यों कराएं, ये क्या जरूरत है इस चीज की, मगर आई थिंक इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। आप अच्छे दिखेंगे, आप साफ सुथरे दिखेंगे तो आपसे यू नो आपकी जो हम सफर हैं आपकी वो भी खुश होंगे कि ये कितना साफ रहता है, आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी ये चीज़ें सीखेंगी। बिल्कुल। यू नो, सो अपने आप को ग्रूम रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो पाँव के नाखून हो, हाथ के नाखून हो, या सर का बाल हो, सर का बाल हो, या फिर इवन फेस हो, फेशियल हेयर। फेशियल हेयर से आप बहुत सारे अपने चेंजेस कर सकते हैं, बियर्ड हो सकती है, मॉस्टैश हो सकती है, देर कैन बी अ फ्रेंच, देर कैन बी जस्ट द यू नो, देर इज सो मच दैट यू कैन डू, इवन कलमों की लेंथ से, यू नो, कि कलमें चौड़ी हैं, लंबी हैं, छोटी हैं, यू नो, हेयर कट्स की लेंथ से, कि मिड फेड है, लो फेड है, मिड फेड है, या यू नो इट्स लाइक एन एक्सट्रीम फेड, यू नो यू कैन डू अंडर कट्स, यू कैन डू देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद मेंस हेयर एक्चुअली। ओह वाओ, अच्छा जो आप कलमों की जो लेंथ की बात कर रहे हैं, ये तो एक ऐसी चीज़ होती है नोबडी इवन थिंक्स अबाउट इट। तो जब कोई आता है एंजेंस और जब वो आप पे ट्रस्ट करता है और कहता है कि जी व्हाटएवर सूट्स मी, तो उसमें फिर आप देखते हैं कि फीचर्स के हिसाब से, यू नो, फेस के हिसाब से फिर आप उनको सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर फेस, अंडरस्टैंड योर बॉडी स्ट्रक्चर और जो आप उस दिन पहन रहे हैं। अगर आप एक सूट पहन रहे हैं तो आप उसके हिसाब से बाल रखेंगे। जिस तरह से अभी हुसैन के हमने कुर्ते शलवार के ऊपर हमने बहुत ईजी अनकैम्प्ड, यू नो, वेरी
ब्यूटीफुल उनके कर्ल्स हैं तो उसी से खेलते हुए किया है. लेकिन अब आप जब आप उनको एज अ रिसेप्शन ग्रूम देखेंगे तो इट विल बी अ वेरी देयर बी अ वेरी वास्ट डिफरेंस एंड दैट्स हाउ यू कैन चेंज योर हेयर कम्प्लीटली. तो आपने ना उसके अंदर बालों की लेंथ कम की है, ना आपने अपने बालों को डिस्टर्ब किया है, ना आपने अपने कम्फर्ट जोन को डिस्टर्ब किया है, मगर आप सही हेयर स्टाइल करके भी बहुत डिफरेंट लग सकते हैं. ओह नाइस. अच्छा, जो लोग खुद से हेयर स्टाइलिंग करते हैं, चाहे वो कोई एक यू नो क्रीम हो या कोई ऐसी चीज़ हो, सो आप उसमें कुछ सजेस्ट करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतनी ज़्यादा जेल होती है, इट्स टू मच, या बहुत ज़्यादा एक क्रंच सा आ जाता है बालों में. कोई प्रोडक्ट, चाहे आप तो खैर नाम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहें, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? एक अच्छा हेयर कट जो है वो आपको तकरीबन एक महीने तक जो है वो एक आदमी के लिए एक अच्छा हेयर कट बहुत काम दे सकता है. ठीक है, इवन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, एटलीस्ट एक दफ़ा महीने में ज़रूर जाएं. एक संडे या एक कोई भी वीकडे आफ्टर वर्क यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर लाइक एन आवर एंड अ हाफ एंड यू कैन गेट योर मैनी पेडी, योर फेशियल हेयर, योर बी, योर हेयर कट. लेकिन एक अच्छे हेयर कट से आपके बालों के प्रोडक्ट की मकदार ना सेट हो सकती है. ठीक है, कि अगर आपने अच्छा हेयर कट कराया है तो आपको उसके अंदर किस टेक्सचर की, किस प्रोडक्ट की जरूरत है. हमारे आदमियों को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पता है, जेल. वही जेल, बस वही जेल. उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो उनसे भी टेक्सचराइजिंग करना बड़ा आसान रहता है. अच्छा, हर बाल के लिए डिफरेंट होता है. याद है वो एक, मैं अब नाम तो नहीं ले सकती, रेड कलर की क्रीम होती थी, वो भी बहुत यूज करते थे. वो अभी भी बहुत यूज करते हैं, बट यू नो, आई नो व्हिच क्रीम यू आर टॉकिंग अबाउट, बट वो काम जो है वो क्रीम का टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट रहता है, ठीक है. जेल का टेक्सचर जो है शाइनी और हार्ड रहता है, यू नो. पाउडर का टेक्सचर जो है वो आपको वॉल्यूम देता है. सो यू नो, ये चीज़ें आप अगर थोड़े से प्रोडक्ट्स को यूज़ करके ट्राई करके मे बी किसी ड्रग स्टोर या किसी सुपर मार्केट या इवन जब आप सैलून जाते हैं तो दो तीन चीज़ें ट्राई करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाउ मच यू कैन create with the right products that you can use and what suits you. Caller हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल था कि हम जो ये सर्विसेज लेते हैं, अगर हमें ब्लीच कराना हो या फेशियल लेना हो तो कितने दिन पहले लेना चाहिए? फॉर द ब्राइड, आप दुल्हन की बात करेंगे ना? जी, दुल्हन की बात कर रही हूं. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं बिल्कुल पूछती हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया नबीला. ये एक बहुत ही कॉमनली आस्क क्वेश्चन है कि फेशियल की एक पूरी साइंस है, जो आपका मेन इवेंट है, उससे कितने दिन पहले फेशियल आपको लेना चाहिए? देखें, आई थिंक स्किन को शादी से एटलीस्ट 10 दिन पहले तो बिल्कुल टच ना करें. तो जो आपकी ट्रीटमेंट है, डिपेंडिंग ऑन कितनी हार्श ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, कुछ लोग लेज़र्स कराते हैं, स्किन के लेज़र्स हो रहे होते हैं, तो स्पेशली अगर आप कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, सो वट एवर द साइंस इज, इट शुड फिनिश एटलीस्ट 10 डेज बिफोर द शादी. जो थ्रेडिंग और प्लकिंग वगैरह वो आप कर सकते हैं दो तीन दिन पहले, और जो लेज़र हेयर रिमूवल भी वो हफ्ते 10 दिन पहले सारा एस्थेटिशियन का काम खत्म हो जाना चाहिए. ओके ओके, सो 10 दिन अपने आप को दें, नो सरप्राइजेस फॉर द मेन डे. एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा, सिग्नेचर मेकअप के अंदर जब मैं कंसल्टेशन कर रहा होता हूँ तो अक्सर क्लाइंट्स जो हैं वो अब्रॉड से होते हैं या किसी अंदरून शहर से होते हैं जहाँ पे उनकी रसाई शहर तक ज़रा मुश्किल होती है, या वो देयर ट्रैवलिंग एंड कमिंग टू पाकिस्तान फॉर देयर वेडिंग और मे बी गोइंग आउट फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग, यू नो. इस बेस के ऊपर वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं, हमने अपनी स्किन का, मैं कौन सा वाला फेशियल कराऊँ, यू नो. तो वो एक बड़ा जेनेरिक क्वेश्चन है, ठीक है. अपनी स्किन को अंडरस्टैंड करें, इट्स अ कॉम्बिनेशन स्किन के वो ऑयली और ड्राई, कुछ पैचेस ड्राई हैं, कुछ पैचेस ऑयली हैं, या वो ऑयली स्किन है, या अपनी आपके फेस पे एक्नी है. इन चीज़ों का इलाज आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट बता सकता है, यू नो. सो आप मुझसे तो ये सवाल, या किसी भी ऐसे आर्टिस्ट से जो कि आपको कंसल्ट कराए, या आप मेकअप आर्टिस्ट से भी सवाल करते हैं, सो इट डजंट मेक सेंस, यू नो. इट यू हैव टू कंसल्ट द राइट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड वे इन एडवांस, कि अगर आपके फेस पे एक्नी है तो उसका इलाज कराए, ना कि शादी से 10 दिन पहले आप उसका इलाज करा. बिल्कुल, और मेकअप को इलाज ना समझें. हाँ, ये भी तो एक मेकअप को इलाज ना समझें. मेकअप ब्यूटीफाई करता है, इनहांस करता है आपके फीचर्स को, बट वो आपकी स्किन नहीं बदल सकता. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेरी गुड. वो आपकी स्किन नहीं बदल सकता, कॉम्प्लेक्शन नहीं बदल सकता. बिल्कुल, इवन आदमियों के लिए फेशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. एटलीस्ट क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. अपने स्किन को मॉइस्चराइज
रखें, अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखें, ये चीज़ें बड़ी वैल्यू ऐड करती हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो आपने फ्लावर्स लगाए हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ताबिश थोड़े से आगे आ जाएगा, कि ये वो हैं बेबी ब्रेथ है ये? दो, चूंकि एक क्लासिक ब्राइड है, एक वेरी मॉडर्न ब्राइड हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर फ्लोरल अरेंजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राइड लुक्स वेरी ड्रीमी एंड वेरी आई वुड से दैट उसका शी नीड्स टू लुक वेरी वेरी सॉफ्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम, यू नो। सो इसके अंदर अभी हमने बेबीज ब्रेथ ऐड की है, वी आर गोइंग टू ऐड फ्यू रोजेज एज वेल, रेड रोजेज, बिकॉज गोल्ड, आप देखेंगे गोल्ड आउटफिट बहुत खूबसूरत आउटफिट है, उसके साथ गोल्ड एंड रेड लिप्स एंड रेड रोजेज वुड रियली कॉम्प्लीमेंट। ओह नाइस, अच्छा ये एक नई चीज़ है ये, इवन अगर आप क्लासिक ब्राइड भी देखें, नई इसलिए बिकॉज यूजली हमारी जो एक चीज़ है वो शुरू होती है आई थिंक मोतिया से, वो एंड हो जाती है सनफ्लावर पे खेलने के बोलो, वो बड़े कॉमन है। सो ये अनकॉमन चीज़ें हैं, इट्स एन अनकॉमन। सो बेबीज ब्रेथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मोतिया इस्तेमाल, मोतिया मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज वो काला हो जाता है। अच्छा, यू नो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो काला हो जाता है। चमेली का फूल इज वेरी नाइस, यू नो, बट कीपिंग योर आउटफिट, कीपिंग योर इंटायर लुक इन माइंड, यू नीड टू सिलेक्ट योर फ्लोरल्स आल्सो, फ्लावर अरेंजमेंट आल्सो इन योर हेयर। अच्छा, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं और वो पिक्चर्स हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। ये पिक्चर्स जो हैं ये शादी के लुक की हमारे पास पिक्चर्स हैं, ये हम दिखाना चाहते हैं आपको, इनको देखिएगा डिफरेंट लुक। अच्छा, एक पिक्चर है जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, इट्स अ लुक फॉर शादी, और यहाँ पे जब ये पिक्चर आएगी तो मैं नबीला से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उसको आप दोनों जो है वो एक्सप्लेन भी थोड़ा कीजिएगा। बस पिक्चर आने वाली है हमारे पास, एंड देयर यू गो। ओहो, ये तो कौन है, ये कौन है, ये पिक्चर की क्या कहानी है नबीला, ये क्या कहानी है इस पिक्चर की? एम्बैरेसिंग, बट मैं आपको बताती हूँ, दिस इज 82 में, और उस जमाने में फिरोजी, पैरेट ग्रीन, पर्पल, सिल्वर, ये ट्रेंड्स होते थे। एंड दिस इज़ अ शनेल का वो निकला था आई शेडो, जिसमें पहली दफ़ा ब्रॉन्ज, बर्गंडी, गोल्ड, इस तरह के चार कलर्स थे, जो मैंने अपने देन हस्बैंड से कहा था, वो फ्लाइट पे आ रहा था कि लेते हुए आना, निकाह हो रहा था और वो मौलवी पूछ रहे, और मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मैं जल्दी जल्दी अपना आई मेकअप कर रही हूँ, आई डिड माई ओन मेकअप बिकॉज आई डिडंट इवन एट दैट टाइम ट्रस्ट एनीवन, बिकॉज दैट्स द ब्राइड I didn't want to be जो लोग बनते थे। एक बार दोबारा, हाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि एक बार जरा दोबारा दिखा दे कि अब जब नबीला ने स्टोरी बताई है, जब ये लगी थी तो स्टोरी नहीं बताती ना, दैट ब्राइड ने अपने आप को खुद रेडी किया है, एंड ओह यू लुक हाउ क्लासिक एंड टाइमलेस दिस लुक इज इफ यू लुक एट इट, कि रेड लिप्स भी हैं, गोल्ड गोल्ड दुपट्टा भी है, बट यू नो हेयर कितने इजी हैं। I think I love the red lips that you created. It's 40 years ago, right? 82 से 2023 is 40 years. कोई math करके हमें बताएगा, almost 41 years math. 41 years ago, when nobody was doing these neutral colors, that's what I did. And I'm not saying it's gorgeous, but yes, even at that time, कपड़े white and silver थे, diamond का set था, red lips, classic nude eyes, and my eyebrows were still bushy. And it is classic for sure. अच्छा, break का time है हमारे पास. Because I need to go back to. ठीक है भाई, खोजी की जो है ना वो मजदूरी, जैसे खोजी कहती है, अभी इन्होंने दो लुक्स हमें दिखाने हैं, खोजी ने तैयार करके, जिसमें बारात का लुक है, जिसमें वलीमे का लुक है, इसके अलावा नबीला ग्रूम्स भी हैं, ग्रूम्स भी हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल ग्रूम्स भी हैं। और जब ब्रेक से वापस आएंगे ना, तो फिर हम आपको ये पूरा लुक भी दिखाएंगे, जो हमारी क्लासिक ब्राइड है, जो हमारी मॉडर्न ब्राइड है। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। वेलकम बैक, आ चुके हैं ब्रेक से वापस, आप देख रहे हैं नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो, यहाँ पे तैयारी जो है वो जारी है। अब आपको हम दिखाएंगे कि हमारी जो क्लासिक ब्राइड है वो कैसी लग रही है, मॉडर्न ब्राइड कैसी लग रही है, लेकिन आई थिंक उनसे पहले हम यहाँ पे बुला लेते हैं, भाई लड़के पहले तैयार होते हैं, यहाँ भी ऐसा हुआ है, लड़के पहले तैयार है, हमारे जो बारात का जो लुक है, हमारे मॉडल हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको बुलाना चाहूँगी, अदनान बहरानी आप प्लीज़ आ जाइए, और साथ में जो है वो खोजी नबीला आप भी आ जाइए टू एक्सप्लेन द लुक। दिस इज़ द बारात लुक एंड इट इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली
अमेजिंग और मैं चाहूँगी कि जो है वो खोजी अगर आप आ जाएं एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पे भी काम हो रहा है, साइड पे भी काम हो रहा है जी नबीला मजदूर. ओके सो माशाल्लाह ही इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, वेरी वेरी सिंपल. अगेन जो हमने ट्रेडिशनल ब्राइड सिलेक्ट किया है, अभी रिवीलिंग द ब्राइड नाउ. बिल्कुल बिल्कुल. ओके सो शी इज़ वेयरिंग गोल्ड एंड एक्सेंट्स जो हैं उसके वो मरून के हैं, वेदर इट्स हर लिपस्टिक और हर फ्लावर्स. तो ही इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग हर, इट्स वेरी न्यूट्रल, इट्स डिज़ाइंड इन अ वे दैट यू नो दिस आइवरी कलर रियली लुक्स गुड ऑन हिज फेस. काफ़ी सारा इन पे मेकअप भी हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, थैंक्स टू जीरो मेकअप एंड आर ब्लरिंग पेन विच वी हैव यू नो लॉन्च्ड फॉर एज अ यूनिसेक्स. एंड जेंट्स हैज डन अ ग्रेट जॉब क्लीनिंग अप हिज बियर्ड यू नो ताकि ये शार्प एजेस लग रहे हैं. हिज आईब्रोज पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, of course haircut hua but you can't see it, and a lovely you know turban. kya kehte hain urdu mein, ek naam hota hai pagdi, pagdi kehte hain kya, pagdi pagdi hoti hai, sehra hota hai, pagdi kulla kulla is kulla not that kulla जिसके ऊपर हाँ, तो कह रहे हैं कि वो वाला होता है, आप भी बता सकते हैं कॉल करके हमें बताएगा. आई थिंक पगड़ी अभी तक जो है वो कंसेंसस के मुताबिक ये सही वर्ड है. अच्छा जी यहाँ पे ये लुक और ये खुद से ही है राइट. जी 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 वेरी सिंपल वेरी अफोर्डेबल वेरी देसी एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लासिक एंड टाइमलेस एंड दिस कुड बी 200 इयर्स अगो और 200 इयर्स लेटर. एब्सोल्युटली वो एथनिक वाला भी एक लुक जिसमें आ रहा है. अच्छा अब जो है वो हमारे पास यहाँ पर आएंगी हमारी मॉडल कैरन पिंटो जिनका क्लासिक लुक रखा है और क्लासिक लुक फॉर शादी बारात अब वो यहाँ पे आएंगी और उनका ना हम इसी तरह जो है वो वेट कर रहे हैं जैसे एक्चुअल दुल्हन का वेट किया जाता है. सो जब तक मैं आपसे पूछना चाहूँगी अदनान कि आपने देखा अपने आप को मिरर में. जी बिल्कुल. कैसे लग रहे हैं आप. एब्सोल्युटली हमेशा की तरह बेहतरीन है ना. हमेशा की तरह बेहतरीन. अच्छा वाह ये वैसे ये भी बहुत जरूरी होता है, इसको आप थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिएगा कि जब आप को कोई भी तैयार करे एंड इफ यू नो दैट यू आर लुकिंग गुड तो वो आपके चेहरे पे भी नजर आता है राइट. जी जी बिल्कुल. आप शादी हुई भी है. जी नहीं नहीं हुई भी है. अच्छा तो आपकी जब शादी होगी तो फिर ये सारी चीजें आप माइंड में रखेंगे. जी हाँ बिल्कुल. चले जी थैंक यू सो मच. एंड आ चुकी हैं कैरन, यू लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. यहाँ पे आ जाइएगा एंड प्लीज नबीला पूरे इस खूबसूरत क्लासिक लुक को एक्सप्लेन कीजिएगा. एंड खोजी प्लीज आ जाइए आ जाइए और जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि यू नो द कलर एवरीथिंग. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल जोड़ा बाई फरा तालिब. अंदर आप देखें कि शरारा है, एक लेयर्स है. आई लव लेयर्स, आई लव एग्जेजरेटेड एंड इट्स लाइक अ यू नो शर्ट ऑन टॉप जिससे कि अंदर से भी झलक रहा है इनका जो शरारा दिख रहा है. वेरी क्लासिक गोल्ड ब्यूटिफुल एलिगेंट. Wow, it is so beautiful. और वाकई जो आप कह रही थी ना कि रेड लिपस्टिक एक्चुअली स्टैंड आउट कर रही है रेड. जी वैसे कहने को सारे बाल बाल बने हुए हैं लेकिन डिपेंड्स यू नो अगर ये स्टेज पे दुपट्टा लेंगी सर पे तो जो तस्वीरें वगैरह पहले हैं वो बगैर दुपट्टे के हो सकती हैं. सो यू कैन सी दिस एंड इट्स देयर बट इट डजंट हैव टू you know be seen on the stage. Bilkul. Everyone knows it's there. So for a bride dupatta setting is a very very important bit because hamare yahan baghair dupatte ke such brides hoti nahi hain. Kuch brides hain walime ki jo baghair dupatta hoti hain lekin jo traditional outfits hain uske andar brides jo hain wo without dupatta nahi prefer karte. So agar aap dekhen so dupatta bhi bahut overdue nahi hai. You know, border dupatte ka is very important. मैंने अक्सर ब्राइड्स का देखा है कि वो बॉर्डर इतना चौड़ा होता है कि वो लग ही नहीं पाता और उसको संभालने के लिए इतना हैवी दुपट्टा होता है कि वो उसके बालों के अंदर पैडिंग डालते जाते हैं कि वो इतना बड़ा मकबरा बन जाता है सर के ऊपर. तो वो इट लुक्स रियली रियली बैड. तो दुपट्टा सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्राइड. अगर आप देखें तो मैंने दोनों तरफ से दुपट्टा जो है वो ओपन ही रखा है. इनके जो डिज़ाइनर हैं फरा तालिब उन्होंने दे हैव गिवन अ लूप हियर. This is very smart. ये तो बहुत smart है. जैसे आपका पता भी चल रहा है दुपट्टे पे जो सारी चीजें हुई हुई है and it's easy to carry also. It's very easy to carry और आपके हाथ पे दुपट्टे का वेट नहीं है. अगर आप देखें तो हमने इसके अंदर गजरे ऐड किए हुए हैं, बालों के अंदर हमने फ्लोरल अरेंजमेंट की हुई है,
please notice her nails. There's nail art also. Which nail is art very important for brides. So Nabila can enhance and talk, like elaborate and talk about nail art's importance. Yes, please Nabila. So, her personality is very simple and humne French manicure kiya hai, but using golden tips. So the nails are still clear and short. जैसे इनको naturally पसंद हैं वो बहुत fake nails नहीं हैं लेकिन golden tips से थोड़ा सा वो festive हो गया है थोड़ा सा embellished feel हो रहा है बिल्कुल और मुझे लग रहा है इसके बाद जब इनकी you know जब when it's an actual bride तो पूरी जितनी बहुत सारी आपकी जगहों पे जाना होता है तो वो सब सारे attire के साथ ये चल सकता है अच्छा एक चीज मुझे बहुत it's a breath of fresh air नबीला और वो ये है कि स्लिक बैक जो हेयर है इसमें कोई लटे नहीं निकल रही है ये एक सबसे खूबसूरत बात है देखिए अगर चेहरा इतना अच्छा हो स्किन इतनी अच्छी हो तो क्या जरूरत है मुंह छुपाने की या यू नो इतना ज्यादा स्टेटमेंट हर जगह पे है कि एटलीस्ट हेयर शुड नॉट कम्पीट विद इट दैट्स द होल पॉइंट ऑफ बैलेंसिंग जो आपने कहा था कि जहां पर रुक जाना है यू शुड नो कि कहां पर आपको रुक जाना है अच्छा मैं हमारी मॉडल से भी पूछना चाहूंगी कि ये कैसा फील कर रही हैं जी कैसी लग रही हैं आप अपने आप को रियली नाइस आई लव द रेड लिप बिकॉज आई डोंट यूजुअली डू अ रेड लिप एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग विद अ लॉट ऑफ आउटफिट्स बट दे सीम टू परफेक्ट इट लाइक ऑलवेज एब्सोल्युटली बहुत ये बिल्कुल सही बात कह रही है कि रेड लिपस्टिक जो है ना वो लगाना एक आर्ट है एंड इट्स नॉट वेरी ईजी अच्छा यहाँ पर अब मैं चाहूँगी कि हमारी जो दूसरी ब्राइड है उनका भी यहाँ पर लुक आ जाएगा Meanwhile, मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप ज़ीरो मेकअप रेंज जो है वो लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं zeromakeup.com एंड इसके साथ साथ आपको मिलेगा 20% ऑफ कोड मैं आपको बता देती हूँ कोड है ज़ीरो इनटू यानी कि एक्स मसाला ब्रेक पर जा रहे हैं ब्रेक से वापस आने के बाद फिर हम आपको लुक दिखाएंगे यहाँ पर अभी आपने देखी क्लासिक ब्राइड बारात का लुक अब आपको दिखाना है ग्रूम के वलीमे का लुक एंड मॉडर्न ब्राइड जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए वेलकम बैक वापस आ चुके हैं हम नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो एंड जेंट्स का आपने पैकेज देखा सो आपने अब अपने घरों पे मौजूद हस्बैंड्स एंड ब्रदर्स सबको कन्विंस करना है कि मर्दों को भी उतना ही अपना ख्याल रखना चाहिए जितना औरतों को रखना चाहिए वेदर इट्स मैनिक्योर पेडिक्योर और यहाँ पर जो हमारा लुक है वो हमारी जो मॉडर्न ब्राइड है उनका भी रेडी है अबीरा इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग मैं चाहूँगी कि नबीला आप प्लीज़ आ जाएँ खोजी आप आ जाएँ ज़रा इस लुक को एक्सप्लेन करने के लिए एंड फिर हम आपको ग्रूम का वलीमा लुक भी दिखाएंगे यहाँ पर आ जाइए नबीला थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग So looking at her personality and her complexion, etc., Tabish selected this beautiful mint green sari, which is from Sania Muscatia. And because इसमें काफ़ी काम शाम था तो earrings जो हैं बिल्कुल simple रखें बाल जो इनके हैं retro waves हैं beautifully glossed hair, good condition. इसकी embellishment भी हमने थोड़ी सी यहाँ पे रखी है अपनी side profile के कीजिएगा अभी ना थोड़ी सी हाँ exactly ताकि हम देख सकें So, you know, she can carry this with her height and, you know, her posture and all of that. So, kafi simple sa hai. Baal bhi bilkul touchable, beautiful, natural, effortless, magar styled hain. Bahut zyada isme spray wagaira nahi hai. It's quite soft. Wow. And, you know, it's a beautiful sari. I think she looks really great. The eyes are smoky with a touch of mint green in it. The lips are nude taake wo eyes pe focus jaye. And she's wearing very natural brown hazel type ke lenses taake eyes jo hain wo aur dreamy lagein and aap inke saath ka jo groom bhi kaise honge wo bhi aap aa jaye zara bilkul ab groom hame wait kara rahe hain pehle bride wait kara rahi thi walima jo hamari groom hai ye wahi model hai by the way jo aapne dekhe the husain aaye the mehndi look ke liye aur ye ab koi dusre wale husain aaya yahan pe for the walima look he is looking bilkul different khoji please aa jaiye aap bhi yahan pe और ज़रा
एक्सप्लेन कीजिएगा आप और नबीला. सो यू नो जैसे हम कह रहे थे कि आप पूरी प्लानिंग करें, डिजाइनिंग करें, तो इन्होंने एक दिन अगर कलरफुल सा कुर्ता पहना है अपनी मेहंदी के लिए और रफ से उनके बाल कर्ली से हैं, तो थोड़ी सी शेव थी, तो शादी के दिन या वलीमे के दिन, वट एवर यू वेयर दिस फॉर, तो इन्होंने बिल्कुल क्लीन शेव करके जेल बैक किया है, तो उनकी लुक चेंज हो गई. सो दैट्स हाउ यू कैन कीप योर इंटरेस्ट ड्यूरिंग एवरी डे ऑफ योर इवेंट्स, ताकि लोग वेट कर रहे हो कि आज आप क्या आपकी लुक होगी. एंड जस्ट टू पिक अप द मिंट ग्रीन देयर, वी हैव गिवन हिम अ ग्रीन टाई, सो दे लुक वेरी कोऑर्डिनेटेड, जस्ट लाइक वी हैव द अदर टू विद द मरून्स एंड रेड्स एंड गोल्ड्स. अक्सर ब्राइड और ग्रूम जो है ना वो मैचिंग करके आ जाते हैं कि उसने ग्रीन पहना है तो मैं भी ग्रीन पहन के, बहुत बहुत बुरे लग रहे होते हैं वो टुगेदर. अगर आपका कॉम्प्लेक्शन और ब्राइड के कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस है और अब वही ग्रीन आप भी पहन रहे हैं जो ब्राइड पहन रही है, सो इट लुक्स रियली रियली बैड, यू नो. सो इस तरह से आप अपने ना वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. इसमें मुझे एक अजीब सा जोक हुआ है कि आप कोई ट्विन बहन भाई नहीं है, आप हस्बैंड एंड वाइफ ऐसे हो. मैं कहना चाहता था बहन भाई की तरह, वो ट्विन्स की तरह आ जाते हैं कि हम ऐसे दिखेंगे. अच्छा, ये मुझे बड़ा एक अच्छा, मेरे लिए इट्स अ वेरी न्यू थिंग टू सी इस तरह से कि जो आपने कहा है ना कि यू नो पहले एक बियर्ड थी और उसके बाद क्लीन शेव हो गए इनका बिल्कुल, और बालों का भी प्लीज जरा फोकस कीजिएगा कि इनका बिल्कुल जेल बैक एक लुक है ये, इट्स अ डिफरेंट लुक. बिल्कुल. सो हेयर कट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप सिर्फ हेयर स्टाइलिंग से भी अपना हेयर का लुक चेंज कर सकते हैं. सो फॉर इंस्टेंस अगर वो मेहंदी की इनकी लुक होती, ही कैन स्टिल डू दैट फॉर शादी, यू नो, ही कुड हैव जो इनकी बियर्ड थी उसी को थोड़ी सी शार्प करते, जो शेडो टाइप की बियर्ड इनकी थी और वो पहनते कुल्ला, तो वो लगते वेडिंग के दिन वो और वलीमे के दिन ये. सो you can literally reinvent whether it's a male or a female for different looks and keep interesting you know yourself and your for the groom also, for the groom also, absolutely. Acha Nabila Khoji aur main hum log yahan pe aa jate hain, so that thoda sa hum yahan pe divide kar de, aap dono thoda thoda sa udhar ho jayega, so that hamari audience ko bhi dekhne mein jo hai wo understanding ke liye aasani ho jaye. Khoji aap bhi aa jayega, khoji aap us taraf aa jayega, khoji aap yahan pe aa jaiye. So this is the modern bride, saath mein valime ka look hai, यहाँ पे हमारी क्लासिक ब्राइड हैं और इसके साथ जो है ये हमारी बारात का लुक है. कुछ आप भी यहाँ पे आ जाइए. एंड अच्छा, सो अब मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई भी आना चाहता है फॉर कंसल्टेशन एंड उनका कोई इवेंट है, सो व्हाट इज़ द आइडियल टाइम, किस टाइम आना चाहिए बिफोर द इवेंट आपके पास टू गेट द सर्विसेज? ओके, इफ़ यू आर गोइंग फॉर प्लानिंग, तो वो प्लानिंग स्टेज में हो, चाहे वो दो साल पहले है, एक साल पहले है, या चार महीने पहले है. बिल्कुल दो हफ्ते पहले इज़ टू लेट. सो एटलीस्ट आई थिंक एक महीने पहले तो प्लानिंग होगी, वरना आपको कोई डिजाइनर जोड़ा बना के नहीं देगा और ना ही कोई बाजार में आप एटलीस्ट. सो प्लानिंग के दौरान जो आप कर रहे हैं प्लानिंग, वो पहले होनी चाहिए ऑफ कोर्स. लेकिन जब आप मेकअप के लिए आए हैं, तो आप सर्विसेज के लिए यूजली हम कहते हैं कि आप एटलीस्ट हफ्ते पहले आके अपने नेल्स, स्किन, जो भी है, थ्रेडिंग श्रेडिंग वैक्सिंग, वो सब आप करा लें, सो दैट यू आर रेडी फॉर कोई रिएक्शन नहीं हो, कोई ऐसे नहीं हो कि एक्ने हो जाए वगैरह. तो एंड देन ऑफ कोर्स द ब्राइडल डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो टाइम पर आएँ और अपनी प्रिपरेशन करके आएँ. अक्सर ये होता है कि जी गजरा लेने गए हैं, वो गरारा नहीं आया अभी तक. सो जस्ट बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, एंड जितने आप ऑर्गेनाइज होंगे उतने आप कंफर्टेबल भी रहेंगे, अच्छे भी लगेंगे. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आप क्या देना चाहेंगे स्टाइलिंग टिप फॉर दिस मोस्ट स्पेशल डे ऑफ एनीबॉडीज लाइफ? आई थिंक वार्डरोब कोऑर्डिनेशन जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए. उसके हिसाब से वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरी लिटिल डिटेल, सो यू नो अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. कि आप एक ऐसे नहीं है कि एक महंगा तरीन जोड़ा ख़रीद लिया है और फिर उसके बाद और कुछ नहीं देखा, बस वो जोड़ा था, यू नो. तो ज्वेलरी भी कितनी होनी चाहिए, ग्रूम के कुल्ला होने की ज़रूरत है नहीं है, ब्राइड की हाइट कितनी है, ग्रूम की हाइट कितनी है, ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए चीज़ें कोऑर्डिनेट किया करें. अक्सर ब्राइड कहती है वो मुझे नहीं पता वो क्या पहन रहे हैं, मगर मैं तो ये पहन रही हूँ, या ग्रूम कहते हैं आई डोंट नो, आई डोंट केयर वो क्या पहन रही, बट आई वुड लाइक टू वेयर दिस, यू नो. सो इस चीज़ की कोऑर्डिनेशन रखना बड़ा ज़रूरी है. तो अटेंशन टू डिटेल इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट. अटेंशन टू डिटेल, और अगर आप नेचुरली ऐसे इंसान नहीं है जो आप छोटी छोटी चीज़ों पर यू नो इसके बारे में सोच सकें, तो
ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं, सिग्नेचर ब्राइड वाले इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। और ताबिश मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आप, जैसे कि नबीला ने भी कहा था कि अगर आप पाकिस्तान में नहीं भी रहते, बाहर रहते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद बाद आ रहे हैं, तो भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, राइट? बिल्कुल, छः महीने पहले एज आई सेड बुकिंग होती है ब्राइडल जोड़ों की, ब्राइडल मेकअप की है, यू नो, सो ऑल ऑफ दैट सर्विसेज वगैरह की, क्योंकि ये बड़े ज़रूरी फैक्टर्स हैं फॉर अ ब्राइड एंड अ ग्रूम। आप जूम कॉल पे वी कैन डू कंसल्टेशंस फॉर पीपल हु आर अब्रॉड एंड वांट टू गेट देयर कंसल्टेशंस डन, दैट्स व्हाट वी डू इन सिग्नेचर मेकअप। सो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू हैव एन अपॉइंटमेंट, You're all good. ठीक है, थैंक यू सो मच आज का शो देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया नबीला एंड टीम नबीला एंड ऑल द मॉडल्स, और इतना सारा हार्डवर्क है इस लुक के पीछे। जब आप एक देखते हैं ना कि एक बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट जब आपको नजर आता है, आप कहते हैं हाँ ऐसा ही तो होना चाहिए था। बहुत सारे इसमें फ्लॉज हो सकते थे अगर अटेंशन टू डिटेल नहीं होती। आई होप कि आपको शो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कल जैसे कि नबीला ने कहा है कि हम स्किन के बारे में, बेस के बारे में बात करेंगे, आपके तमाम सवालात का के जवाब देंगे। तो सवाल अपने जमा कर लें, लिखने स्टार्ट कर दें, कल होगी आपसे मुलाकात। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टीम नबीला की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।